तो देखो भाई, मैं बनाने वाली हूँ आज एक अलग तरीके का चिकन। इसे कहते हैं चरसी चिकन, क्योंकि किसी ने ना इसको चरस खाने के बाद किसी शेफ ने बनाया था नवाबी टाइम पे, यानी मुगल लोगों के टाइम पे ना इस चिकन का जो है अच्छे तरीके से किसी शेफ ने बनाया था। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। सो हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो देखो भाई, वो शेफ चले गए, मुगल चले गए, सब चले गए, लेकिन ये रेसिपी रह गई है हमारे पास। तो आओ चलो इसी के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और फटाफट से ना यहाँ पर आना है और पूरी रेसिपी एंजॉय करनी है, ठीक है? तो हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 2 लंबे कटे हुए प्याज, 2 टमाटर लंबे कटे हुए, साथ ही साथ में 1 हरा मिर्चा और 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगा सूखा धनिया, आधा चम्मच के करीब जाएगी हल्दी, 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगी मिर्ची और साथ साथ में 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर जाएगा नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने कर देना है मिक्स, आधा चम्मच गरम मसाला डाल के। हाथों की मदद से हमने प्याज, टमाटर और इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। सब कुछ मिक्स करने के बाद आपको इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। एक बार ये चीज़ें अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी ना, तो बस फिर ये समझो कि आधा तो तामझाम ही खत्म। अब इसे कवर करके साइड में 1 घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी साइड 1 घंटे के बाद हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। आप अच्छे से सिलबट्टे पे कूट के भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन अदरक को हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे और तब तक इसे जिंजर गार्लिक को पकाएंगे जब तक वो पूरा अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरीके से बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे चिकन में, क्योंकि एक तो मैरिनेशन वाला मसाला, ऊपर से लहसुन अदरक, आहा मज़े ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा लहसुन अदरक जो है वो लाइट ब्राउनिश हो गया है, बिल्कुल जलाना नहीं है, एकदम लाइट ब्राउनिश से इसको कर देना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा लहसुन अदरक होने के बाद हमने करना ये है कि इसमें मैरिनेट किया हुआ मसाला डाल देना है। जी हाँ, एक बार इसमें मैरिनेट किया हुआ मसाला ऐड कर दिया तो कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से प्याज और टमाटर जो है वो हाफ कुक ना हो जाए, यानी 50% के करीब अच्छे से कुक ना हो जाए। तो 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से हमारा मसाला हो गया है रेडी। अब करना ये है कि इसके अंदर अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन हमें ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ लेग पीस ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ लेग पीस का बनाया था, आप फुल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। लेग पीस डालने के बाद हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स और उसके बाद कोई पानी या कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए इसे भूनना है और भूनने के बाद इसे कवर करके कुक करना है। और बीच में इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया है हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि वो जो धनिया है वो भी अपना फ्लेवर छोड़ दे। अब जब अच्छे से हमारा ये जो चिकन है इतना कुक हो जाए तो फिर से इसे कवर करके 5 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, टेंडर सॉफ्ट जूसी चिकन मसाला रेडी हो चुका है। इसे नान, परौठा, कुलचा किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा और हरा धनिया डालिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और इस वीडियो को सेव एंड शेयर।